पे आईएएस ऑफिसर, तो वो लोग क्या करें, लोग घास छिल रहे हैं आईएएस ऑफिसर, हम रहा वजह से बिहार आगे जा रहा है। मैं समझ रहा हूँ कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम बस यही है, बिहार को टोकरी में है, टोकरी में टोकरी में सामान है बिहार का, कि उसको आप उठाएं और लेके जा रहे हैं। तो जिया तिया का तो पता नहीं, जिया तो अभी सूत रही है। अच्छा, सबसे पहले पब्लिकॉन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले की अपेक्षा आज का लुकिंग और कुछ ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। अरे बाप, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नजरिया का फेरा है, आपकी नजर का फेरा है, ठीक है, आप अगर उस नजर से देखते हैं तो हम स्मार्ट लगेंगे, अगर आप हमको उस नजर से देखते हैं तो स्मार्ट नहीं लगेंगे। तो नजरिया का फेरा, तो आपके आपके नजरिए को सलाम है, आप उस वक्त हमको अलग नजरिए से देखे हैं, इस वक्त आप हमको अलग नजरिए से देख रहे हैं। आप बहुत सारे एक्टर के आवाज निकाल लेते हैं, हम चाहेंगे कि कुछ ऐसे एक्टर हैं उनका आवाज थोड़ा निकाल के बताइए। बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बाबूजी, मैं काजल से प्यार करता हूँ, मैं बस यही कहना चाहता हूँ, इसी तरह से प्यार मोहब्बत बनाए रखिए। काजल तो मुझे प्यार नहीं कर रही है, लेकिन आप तो कर सकते हैं ना। थैंक यू, बहुत खूब। आपकी आवाजों पे और आपकी ये जो स्टाइल है, आप हर अलग अलग कैटेगरी में आप वीडियो बनाते हैं, जो कि मैं भी देखता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। और आप जो अभी के यूथ के बहुत ही इंस्पायर आप एक ऐसे बंदे हैं, जो कि आपको देख के बहुत सारा अभी रोजगार के क्षेत्र में निकल पड़ा है और यूट्यूब पे आ गया है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, जो पढ़ाई छोड़ छोड़ के यूट्यूब पे आ रहे हैं, इसके इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जो पढ़ाई छोड़ छोड़ के यूट्यूब पे आ रहे हैं, तो हम तो ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, सबका अपना अपना एक व्यक्तित्व, अपनी अपनी सोच है। लेकिन सबसे पहली चीज है कि पढ़ाई सर्वोपरि है, ठीक है, पढ़ाई इट्स एन ऑब्लिगेटरी थिंग, आपको ये करना ही चाहिए। तो सबसे पहले स्टडीज कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि देखिए मैं ये सब जो कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने स्नातक किया है, आई एम ग्रेजुएट इन फिजिक्स ऑनर्स, मैंने फिजिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया है और अभी भी पढ़ाई करता हूँ और एमएससी कर रहा हूँ। सो पढ़ाई बहुत बड़ी चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है, सबसे पहले वो निपटाइए, उसके बाद ये भी कीजिएगा तो मज़ा आएगा। और आदर्श भैया, मैं चाहूँगा कि आप, सुशांत सर का एक डायलॉग है पार्टनरशिप बिजनेस वाला, वो अगर याद है तो सुना सकते हैं क्या? कौन पार्टनर से बिजनेस? दोस्तों, मेरा दो दिन का स्टार्टअप है। अच्छा, पाए हाय गाइस, दो दिन पुराना स्वरा है मेरा, बिजनेस बड़ा नहीं लेकिन सपने बहुत हैं, साथ दोगे भाई? सैलरी सैलरी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इसी तरह से होगी, बिजनेस अच्छा हुआ तो साथ में उड़ेंगे, नहीं तो साथ में डूबेंगे। बहुत खूब। आप भैया, आपका बच्चा पार्टी बहुत सारा है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप बच्चों को लेकर वीडियो कैसे बनाते हैं, मतलब वो कब वीडियो बनाते हैं और किस तरह से वो अपना पढ़ाई लिखाई मैनेज करते हैं? आप वीडियो जो बनाते हैं, उनका माइंड डाइवर्ट नहीं होता है पढ़ाई में? पढ़ाई में माइंड डाइवर्ट, पढ़ाई ही है मेन, मैंने भी बोला पढ़ाई ही है मैन, सबसे पहले तो पढ़ाई को ही तवज्जो देते हैं हम। और देखिए, बिना शिक्षा के इंसान पशु के समान है, ठीक है, और जो बच्चे, देखिए हम खुद पढ़े लिखे हैं तो हम खुद चाहेंगे कि सामने वाला पढ़ा लिखा ही हो, है ना, ऐसे थोड़ी है कि किसी अरे गरे के साथ वीडियो बना लें। सभी एजुकेशनल फील्ड से सबसे पहले हैं, उसके बाद इस फील्ड में, तो सबका टाइम पे टाइमली सब कुछ होता है, और स्कूल जाते हैं, टाइम पे पढ़ाई होती है, बहन पढ़ाती है, मेरे पिताजी पढ़ाते हैं, तो मेरे पिताजी तो एक टीचर हैं ही, आप सोच सकते हैं कि एक टीचर के माइंड में क्या चलता है। क्योंकि पहले जब वीडियोस वगैरह बनाते थे तो काम धाम छोड़ छाड़ के वीडियोस बनाते थे, या क्रिकेट वगैरह खेलते थे ना, तो पापा उठा कर पटकते थे कि पढ़ने आओ फिर बाद में क्रिकेट खेलना, समझ रहे हैं, या संगीत सीखना होता था तो उसमें भी लतिया आके एकदम बोलते थे कि पहले संगीत सीखो उसके बाद क्रिकेट खेलना। तो खेल धूप और ये सब चीज़ जो है बाद में, पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और पढ़ाई ये लोग कर रहे हैं और पढ़ाई को मैनेज हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम मैनेज करें, चाहे किसी भी चीज़ से हो, कॉपी कलम पेंसिल बैग एंड ऑल जो भी सारी चीज़ें, तो हम ये सब चीज़ बारीकियों से देख कर करने की कोशिश करने, मतलब पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। सभी बच्चे सही है और ठीक है, और भगवान करेगा तो एक ना एक दिन अच्छे उभरते हुए कुछ ना कुछ जरूर बनेंगे। और बिहार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, बिहार का आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, बिहार के बारे में क्या कहेंगे, बिहार जवान पे है, बिहार का आप एक ऐसे इकलौता मतलब लाल कहें यूं, क्योंकि आप फेमस है जिया, वो बड़ा थोड़ा सा डायलॉग बोल के दिखाइए। अभी जिया तिया का तो पता नहीं, जिया तो अभी सूत रही है। अच्छा, लेकिन हम बस इतना कहेंगे बिहार के बारे में, कोई
जितना आप कहा जाए वो उतना कम होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिहार को हम आगे लेकर जा रहे हैं, बिहार को हम आगे लेकर जा रहे हैं, बिहार कोई टोकरी नहीं है, टोकरी में टोकरी में सामान नहीं है बिहार का कि उसको आप उठाएं और लेके जा रहे हैं। बिहार कोई एक आदमी नहीं मतलब ऊपर कर सकता है, फिर कैसे होगा? जो देखिए क्या है ना, वही बोल रहे हैं ना कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हम बिहार को आगे लेके जा रहे हैं, हम राह वजह से बिहार आगे जा रहा है। मैं समझ रहा हूँ कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम बस यहीं हैं, हम यहीं से बोल रहे हैं कि जो लोग भी कहते हैं तो बिहार कोई टोकरी नहीं कि उठाएं और लेके जा रहे हैं। इससे पहले चाहे मेरी बात करो, किसी की बात करो, यहाँ पे आईएएस ऑफिसर तो वो लोग क्या करें, घास छील रहे हैं आईएएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, डीएम, डीएम, एसडीएम, एसपी, डीएसपी, ये सब जो बिहार के जो होते हैं होनहार, सब होनहार, बिलवान के चिकने पात, ये सब जो है तो लोग घास थोड़े छिले हैं, बिहार को यही लोग आके लेके जा रहे हैं। और रियलिटी में हम लोग बस बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिहार को आगे ले जाने वाले काम कर रहे हैं, एजुकेशनल फील्ड से है, आईएएस, आईपीएस, ये लोग लेकर जा रहे हैं। बिहार को टोकरी नहीं है कि उठाए और लेके पड़पड़ा के लेके चले गए और जाके झगड़ा हो गया सब में, हम बिहार को आगे लेके आए, नहीं तुम कैसे लेके आओ, आधा दूर तक तो हम ढोके लेके आए थे, अरे तुम्हारा कंधा दर्द कर गया था, हम फिर लगाए टोकरी, ऐसा नहीं है ना। कुछ लोग हैं ऐसे कि वो कहते हैं कि बिहार मेरे बदौलत और हम बिहार को सुधार करेंगे, है ना, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए बिहार को सुधारना और नहीं सुधारना ये तो मैं ये तो बिहार बिहार देखिए बिहार बिहार एक ऐसा चीज है ना, बिहार एक माँ के समान है, माटी है, ठीक है। बिहार को अगर कोई कहता है कि बिहार को सुधार के रहेंगे या जो भी सारी चीजें हैं, बिहार बिगड़ा हुआ कब था? बिहार में जो चीजें हैं, जैसे एक थाली है, मान लीजिए एक थाली है, ये एक थाली का नाम हम बिहार दे दिए, थाली है, थाली का नाम बिहार है, तो उसमें जो खाना है, खाना परोसा जा रहा है, तो लोग है ना, कैसा खाना जा रहा है, खिचड़ी जा रहा है, खिचड़ी में कंकड़ है, तो लोगों का काम है कंकड़ को निकालना है, समझ रहे हैं, कंकड़ को निकालना है, बुरी चीजों को निकालना है। तो बिहार ही है भाई, बिहार बुरा थोड़ी है, बिहार जैसा है वैसा ही है। तो ये चीज तो कहना गलत ही होगा कि बिहार को हम सुधार रहे हैं, बिहार को हम ये करेंगे, तो बिहार भाई बिहार बिहार है, बिहार की कुछ कुछ चीजें हैं जो कि हमें मतलब चेंज करनी जरूरी है। तो वही चीज है, अगर आप बुरा काम करते हैं तो उस चीज का दोष कभी पिताजी पे भी लगता है, माताजी पे भी लगता है, तो बिहार माँ भी है बाप भी है, तो आपको अच्छा करना पड़ेगा। रही एक भरोसे वाली बात, थोड़ा समय पीछे आता हूँ और पटना वाली बात पे आता हूँ कि कहीं प्रोग्राम होता है तो वहाँ भी आप स्टेज शो करने जाते हैं क्या? अगर बुलाया जाए कभी तो करने तो जाते हैं भाई, लेकिन देखिए जहाँ पर रिस्पेक्ट है, जहाँ पर आदर है, सम्मान है, सत्कार है, तो वहाँ पे पैसे की कोई मोल नहीं होती, सिर्फ एक पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये कि जहाँ पे ये सब सारी चीज़ें हैं तो रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है यार, एक कलाकार तालियों का भूखा बहुत ज़्यादा होता है, बिल्कुल उनके लिए तो ताली ही सब कुछ है, बस वही चीज़ है। और अभी भी कोई स्टेज शोज वगैरह होता है तो हम जरूर करते हैं और जाते जरूर हैं।